जय हिंद इंकलाब जिंदाबाद। आई एम जीजी के डब्ल्यू एच गौरव एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 जनवरी 2023 और हर साल मेरे बाबा को आज के दिन सुबह नींद से उठने के बाद हैप्पी न्यू ईयर विश करते थे, लेकिन इस साल मेरे बाबा इस दुनिया में है नहीं। आज बहुत ही याद आ रहा है मेरे बाबा का। लेकिन चलिए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग का गाँव का जो जोड़िया है आसपास में पिकनिक स्पॉट में कौन कहां पर पिकनिक कर रहा है, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। और बात रहा कि आज है हैप्पी न्यू ईयर, सो ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। घर से निकल गए हैं और इस बार तो मेरा पिकनिक होगा नहीं, और अब हम कभी भी पिकनिक नहीं मनाएंगे ऐसा सोच रहे, क्योंकि एक बार मेरा इच्छा था मन का कि मेरे बाबा के साथ भी एक बार पिकनिक मनाएंगे, लेकिन वो आस रह गया मेरा और मेरे बाबा के साथ पिकनिक मना ही नहीं पाए कभी भी, तो इसीलिए और मन नहीं करा पिकनिक मनाने का। और जा रहे हैं जहाँ पर पिकनिक हो रहा, सबका ग्रुप बाय ग्रुप, जैसे भाई लोग का अलग ग्रुप, मेरे भिक्खा बाबा लोग का अगर हो रहा कहीं तो उन लोग का अलग ग्रुप हो रहा है, फिर कहाँ कहाँ ग्रुप बाय ग्रुप पिकनिक हो रहा, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। पीछे के रोड से आ गए हम जोड़िया के पास और ये है हम लोग का शमशान, आप लोग तो दिखाए हैं बहुत सारा वीडियो में। और इधर हम जाते हैं कंट्रोल का चावल गेहूं लाने के लिए, और इधर से अभी जाएंगे हम जहाँ पर पिकनिक स्पॉट है। आगे से पूरा पिकनिक स्पॉट स्टार्ट हो जाता है और इधर तो थोड़ा सा जोड़िया ही है पूरा, लेकिन तालाब जैसा है, यहाँ पर तो शमशान है, इसके वो साइड में फिर पिकनिक स्पॉट शुरू हो जाता है। तो चलिए अभी इस रोड से जाते हैं और कहाँ कहाँ पिकनिक स्पॉट में कौन कौन कहाँ पर पिकनिक मना रहा है, मैंने मौज मस्ती कर रहा है, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं पिकनिक स्पॉट का एकदम मेन जगह में और इधर देखिए ईंटा बन रहा है, किस तरह से ईंटा बनाया जाता है ये भी हम आप लोग इस वीडियो में दिखा रहे हैं सामने जाके। और इधर देखिए ईंटा भाटा लग चुका है, कोयला दे रहा है इसके अंदर, और ये जब पक जाएगा फिर इसको सेल किया जाएगा ईंटा को, ये भट्टी लगाया जा रहा है ईंटा का भी। और इधर बहुत सारा ईंटा बनाया हुआ है और किस तरह से बन रहा है चलिए आप लोग हम दिखाते हैं कि किस तरह से ईंटा बन रहा है। और यहाँ का मिट्टी जो है बहुत ही अच्छा है ईंटा बनाने के लिए, यहाँ देखिए ईंटा बन रहा है, ये देखिए इसी तरह वो फार्मा है ईंटा का, फार्मा में मिट्टी को डाल दिया और ये देखिए यहाँ से पलट दिया, ये रह गया, बन गया ईंटा। सभी ऐसे ही ईंटा बना रहे हैं अपना, ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही पलट देगा, ये देखिए ये पलट दिया, उठा दिया, ईंटा बन गया। पिकनिक स्पॉट में आ चुके हैं और ये अंकल लोग का पूरा फैमिली यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा जगह है ये जगह, ये एक्चुअल क्या चेक डैम बोला जाता ना, चेक डैम है, लेकिन ये यहाँ पर अभी पानी सूख गया इसीलिए अभी यहाँ पर सभी मिलकर पिकनिक मौज मस्ती से मना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए साइड से चूल्हा लगाया हुआ वहाँ साइड में, और इधर पानी भी है, बहुत पिकनिक करने में बहुत ही अच्छा सुविधा है यहाँ पर। और सभी यहाँ पर बैठ कर सब्जी काट रहे हैं, दादाजी लोग सोए हुए हैं, दादी वहाँ पर बैठ कर इधर उधर देख रही है, उधर दादाजी भी रसोई मतलब अभी कढ़ाई में बनाए रहे हैं सब्जी। और इधर देखिए दोनों बहन मेरी बैठ कर अभी सब कुछ इधर उधर हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये जगह। तो चलिए अभी ये देखिए चाची है ना इधर उधर घूम रही है, चलिए आपको और भी जगह दिखाते हैं कहाँ क्या क्या हो रहा है। अभी हम आ चुके हैं दूसरे जगह में और यहाँ पर देखिए पूरा यंग स्टार सब यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, सभी बहुत इंजॉय करते हुए मना रहे हैं। इसमें से दो चार अभी भी गायब है, कोई मार्केटिंग गए हुए हैं तो कोई कुछ पानी लाने गया है, सब कुछ अपना अपना जगह में है। और यहाँ पर सभी देखिए मौज मस्ती से सभी काम कर ही रहे हैं, अपना पिकनिक कर रहे हैं। और इधर देखिए बॉक्स लाया हुआ है, बजा रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे बोल के बंद किया हुआ है गाना। और चलिए यहाँ पर भी तो दिखा लिए और क्या क्या होता है, देखते रहिए वीडियो पर। দাদু দাদু রামলাল
अगर आप लोग में से कोई मेरा इंस्टाग्राम में डांस और कराटे देखना चाहते हैं तो जाइए इंस्टाग्राम में और देखिए मेरा डांस और कराटे, जो नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है वही नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है। अपना अपना जगह देख कर कहाँ कहाँ पर पिकनिक कर रहा है सभी ग्रुप बाय ग्रुप, वो तो हम आप लोग दिखा ही रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी पिकनिक मनाया जा रहा है, ये बाहर से आए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर आगे में फोर व्हीलर लगाया हुआ है, बाहर से मतलब 5-6 किलोमीटर आगे से आए होंगे। तो यहाँ पर भी पिकनिक मना रहे हैं रोड साइड में, बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पर पिकनिक मनाने का, खेत भी अच्छा है। और ये तो सामने में देख सकते हैं कि शमशान है, शमशान के सामने में जस्ट रोड साइड के बगल में ही कर रहे हैं इन लोग, बहुत ही अच्छा जगह मिला है इन लोगों को पिकनिक करने का। रोड के उस पार हम आप लोग दिखाएँ कहाँ पर कौन कौन पिकनिक मना रहा है। और सीधे में अंगुली के सीधे में है तालाब हम लोग का गांव का, और यहां पर भी देखिए पिकनिक मना रहे हैं, कुछ फैमिली होंगे और फ्रेंड्स मिलकर बना रहे हैं यहां पर पिकनिक, सभी यहां पर खेल रहे हैं अपना मौज मस्ती से। इधर का पिकनिक स्पॉट जो है बहुत ही अलग टाइप का है, क्योंकि जैसे मैथन में होता है, पंचित में होता है, ये सब जगह दूसरा माहौल रहता है, सभी आते हैं अलग इंजॉय करते हैं। लेकिन इधर का गांव का जो पिकनिक स्पॉट जगह है जितना भी सब अलग अलग मतलब इंजॉय करते हुए पिकनिक करते हैं, सभी देखिए यहां पर पिकनिक कर रहे हैं मौज मस्ती से। और चलिए अभी आगे और जा रहे हैं हम, अब साइकिल रख दिए हैं आगे में, साइकिल को रोडे में रख दिए हैं क्योंकि इस रोड में साइकिल चलेगा नहीं, इसीलिए आगे रख दिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं फिर से जोड़िया के पास। My other channel name is नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग मेरे डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी में भी डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं एकदम जोड़िया के पास, और ये सब पत्थर जो देख रहे हैं बहुत ही काट कर ले चला गया है, कोई फैक्ट्री में ले गया है तो कोई घर में ले गया है। जैसे फैक्ट्री में डस्ट बनता है, फिर गिट्टी बनता है मतलब चिप्स बनता है, फिर डस्ट भी बनता है पत्थर का, वो सब के लिए ये पत्थर सब तोड़ तोड़ के लेके चले गए हैं। और ये एरिया जो देख रहे हैं इतना खाली दिया पूरा ग्राउंड टाइप का, इस जगह में आज से 15-16 साल पहले का बात बता रहे हैं, ये सब जगह में हम लोग अरहर का पेड़ लगाते थे जिस समय दादाजी थे, उस समय का बात बता रहे हैं। दादाजी के साथ आते थे और इस सब में अरहर का पेड़ लगाते थे, और अरहर का पेड़ जब बड़ा हो जाता था फिर अरहर पकड़ता था पेड़ में, फिर पक जाता था अरहर, उसके बाद हम लोग काट के घर ले चले जाते थे। और अभी देखिए कैसा जंगल टाइप का हो गया है ये एरिया, लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं है, लग रहा ग्राउंड है एगो छोटा मोटा, मतलब जैसे शॉर्ट पिच क्रिकेट खेला जाता है ना उस टाइप का ग्राउंड लग रहा हमको अभी, मतलब पूरा बेकार मतलब हो गया है ये जगह। क्योंकि जैसे बोला जाता है ना कि कुछ काम नहीं रहता कोई भी चीज़ का तो बेकार हो जाता है, वैसे ये जगह भी लग रहा है। और इधर तो पत्थर काट काट के एकदम मतलब क्या बोलेंगे, दिखा रहे आपको दिखा, ये देखिए ये रहा बड़ा, जूम करके हम आप लोगों को दिखाएं, पूरा काट के एकदम ख़त्म कर दिया है पत्थर सब। आज हम आप लोग दिखाएं कहां पर कौन कौन पिकनिक कर रहा है एंजॉय के साथ, और कहां पर हम लोग का जोड़िया है, जोड़िया का आसपास में कैसा माहौल है, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाएं। और अगर हम लोग का ग्रुप देखना है कि हम लोग का ग्रुप में कैसा पिकनिक मनाया जाता था, मतलब मनाए थे, अब तो पूरा ग्रुप टूट गया है, कोई बीएसएफ में जॉब लग गया किसी का, तो कोई दूसरे काम में लगा हुआ, किसी का नहीं हो रहा किसी कारण में पिकनिक, ऐसे करके ग्रुप टूट गया है। और हम लोग का पूरा ग्रुप में कैसे हम लोग पिकनिक मनाते थे वो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग तो हम लोग का गाँव का जोड़िया का आसपास का नज़ारा हम आप लोग दिखाएँ कैसा है कैसा नहीं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताए कैसा लगा, और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलता है तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।